भाई को तो आ जाना चाहिए था अब तक। मैंने कहा भी था उनको फोन कर दो, वो हमेशा लेट होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये सब चीजें देखें कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हें पता है मुझे इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है ना। अरे ये चीजें मेरी नहीं है, ये सब चीजें तो आपकी होने वाली बीवी की है। भाई अरे इधर तुम आए, अम्मी जरा इन्हें अंगूठी दिखाए। ये देखो भाई कैसी है। किसके लिए है? अरे मेरी बात पर एतबार ही नहीं है आपको। मैं कह रही हूँ ना, ये सब चीजें हमारी होने वाली भाभी की हैं। आप फजूल मजाक है ये। मजाक नहीं कर रही, सच कह रही है। तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं फरी ने, तैयार हो जाना। क्यों तैयार हो जाऊं? कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाऊं? भाई आपके ससुराल जाने के लिए और कहाँ। सच में ऐसा ससुराल तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है ना अम्मी। अच्छा ना बस करो मजाक, सच सच बता दो क्यों खून खुश कर रही हो इसका। बस कर दे अम्मी, असल बात बता तो दी है मैंने, अब इन्हें यकीन नहीं आ रहा तो इसमें हम क्या कर सकते। खामोश हो, बताइए अम्मा क्या बात है सच। असल बात ये है कि हम जा रहे हैं अपनी बहू को अंगूठी पहनाने और तुम भी साथ जाओगे। माँ आप लोग अच्छी तरह से। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मिठाई लेने गया था, पहले सोचा कि मैं तुम्हें खुद लेने भेज दूँ, लेकिन बाद में ख्याल आया कि तुम्हारी इतनी बड़ी खुशी है तो मैं अपनी मर्जी की मिठाई लेकर आऊँ। कैसी खुशी पापा, किस बात की खुशी? तुमने बताया नहीं इसे? अरे बताया तो है लेकिन इसे यकीन ही नहीं आ रहा। भाई मंगनी है आज आपकी, हम अंगूठी पहनाने जा रहे हैं। एक मिनट चुप करो तुम, मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्यों, लेकिन एक बात आप सब जान लीजिए, आशी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो कौन कह रहा है कि तुम आशी के अलावा किसी के बारे में सोचो? हाँ हम भी आशी के अलावा बिल्कुल नहीं सोच रहे। मतलब ये सब जो है वो। हाँ बेटा तुम्हारे हक में फैसला हो चुका। आप साथ मिल गए इन सब के। चलो भाई तुम लोगों ने भी तैयारी करनी है, जल्दी करो। हाँ